हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आज आपका हिंदी लैंग्वेज का चैप्टर नंबर 3 है, शब्द। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। शब्द, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द क्या है? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। शब्द भाषा की वर्ण से बड़ी इकाई है। शब्द भाषा की वर्ण से सबसे बड़ी इकाई है। शब्द कोई वर्णों के मेल से बनते हैं। एक से अधिक वर्णों के समूह को शब्द कहा जाता है। मतलब जो एक अपन अक्षर लिखते हैं वो शब्द नहीं कहलाते हैं। अक्षरों को मिलाकर जो बनता है उसको हम शब्द कहते हैं। जैसे गाय, आम, लड़का, बस इत्यादि। ये क्या हुआ? दो अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाया ना, तो ये क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। चलिए अब हम शब्द की परिभाषा पढ़ेंगे। वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ है। किसको शब्द कहते हैं? वर्णों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिसका कोई अर्थ हो। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? सार्थक और निरर्थक। तो चलिए हम पहले सार्थक शब्द का अर्थ पढ़ेंगे। जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जिनका कोई अर्थ निकलता है उनको हम सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे कपड़ा, मकान, चावल, रोटी, पानी, चाय, दाल इत्यादि। अब हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द के बारे में। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है तथा वे स्वतंत्र रूप में प्रयोग भी नहीं होते हैं, परंतु किसी सार्थक शब्द के साथ प्रयोग होने पर वे अर्थ देते हैं। मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, पर वो शब्द किसी सार्थक शब्द, मतलब जिनका कोई अर्थ है, उनके साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? एक अर्थ बन जाता है। जैसे आप देखिए, शुभम ने किताब से कहा, आओ थोड़ा पानी वानी हो जाए। पानी पीने का एक सरल पदार्थ वाणी, ये क्या है? तो आगे हम पढ़ते हैं, परंतु पानी के साथ वाणी कहने पर वाणी का अर्थ हो जाता है। जैसे कि उसने कहा पानी वाणी, तो वाणी तो कोई शब्द नहीं है, पर पानी के संग वाणी जोड़ा तो एक अर्थ बन गया। आदि, अर्थात पानी तथा और कुछ जैसा पानी वगैरह। इसी तरह रोटी वोटी, चाय वाय, मतलब चाय के संग वाय जुड़ गया तो चाय वाय एक अर्थ बन गया, और रोटी के संग वोटी बन गया तो वो एक अर्थ बन गया। रोटी वोटी मतलब एक तरह से है ना, अगर हम वोटी अलग से बोलेंगे तो ये कोई शब्द नहीं है पढ़ने में, ठीक है। किताब विताब, पंखा वंखा, चाय वाय, फल वल। सार्थक शब्द देखो कौन से हैं? चाय, पानी, रोटी, कार, फल, पंखा। और निरर्थक शब्द कौन से है? वाय, वाणी, वोटी, वार, बल, वल, वंखा। ये सारे क्या है? निरर्थक शब्द हैं, ये वाले नीचे वाले। और ऊपर वाले क्या है? सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द के संग मिल गया तो इनका एक मतलब हो गया, पानी वानी है ना, किताब विताब। पर ये जो सार्थक शब्द हैं इनका कोई अर्थ नहीं होता। जो किसी के संग मिल जाए तो उनके संग एक उनका अर्थ बन जाता है, वरना वो नहीं बनता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आपको इसको अच्छी तरीके से रीड करना है, ठीक है। थैंक यू।